और राज्य से एक बड़ी खबर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है। मंत्री बन्ना गुप्ता प्रोजेक्ट भवन पहुंच चुके हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में वो भाग लेंगे। प्राधिकार के उपाध्यक्ष बन्ना गुप्ता, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। कोविड को लेकर कई नई छूट के दे सकती है सरकार, तो इसके आसार बने हुए क्योंकि त्योहार का सीजन है। ऐसे में जो बाजार है उनमें अचानक से ज्यादा भीड़ ना हो जाए, इसलिए शायद रविवार को लेकर कोई गाइडलाइन आ सकता है कि रविवार को भी दुकानें खुले रह जाएंगी, ताकि एक साथ इकट्ठा शनिवार को या सोमवार को बाजार पर दबाव ज्यादा ना बन जाए। ये कोशिश होगी सरकार की, इसलिए शायद एक बड़ा फैसला आ सकता है कि जब दुकानें देर रात तक खुली रहेंगी और उसके साथ साथ रविवार को भी जो पाबंदियां लगी हुई है उसमें छूट दी जा सकती है, ताकि जो भीड़ है, जो भीड़ का दबाव बाजार पर थोड़ा कम रहे, थोड़ा बिखर जाए वो भीड़, ताकि कुछ लोग शनिवार को भी खरीदारी कर पाए, कुछ रविवार को भी कर पाए, कुछ लोग सोमवार को भी कर पाए। ऐसे रविवार की जो भीड़ होती वो शनिवार या रविवार या सोमवार को वो भीड़ पहुंचती बाजार। तो ये तो बता दें, एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है, कई अहम छूटें मिल सकती है। साथ ही साथ और एक बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि त्योहारों के दौरान किस तरह के सुरक्षा मानकों का पालन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे जुड़े गाइडलाइन भी आ सकते हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों के पंचायती चुनाव को लेकर भी खास इसमें निर्देश दिए जाएंगे कि पंचायत चुनाव भी होने वाले, तो इसमें आपदा प्रबंधन प्राधिकार की भूमिका क्या रह सकती है, कौन कौन से SOPs जो हैं वो पंचायत चुनाव के मद्देनजर वो आज वो फैसले लिए जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन फिलहाल इंतजार है और नजर है कि इस आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये बड़ी और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुट चुके हैं। विपिन, किस तरह की राहत मिल सकती है, क्या पाबंदियां अलग ही रह सकती है और क्या पाबंदियां से मुक्ति मिल सकती है लोगों को त्योहारी सीजन में? प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी। इस बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री और इस प्राधिकार के उपाध्यक्ष बन्ना गुप्ता के अलावा राज्य के मुख्य सचिव और जो संबंधित विभाग के सचिव जो इस प्राधिकार के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। और अगर बात की जाए तो कई विशेष छूट देने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। जिस तरह से संडे को जो बाजार बंद रहता है उस पर सरकार पुनर्विचार कर सकती है, बाजार संडे को भी बाजार बहाल किया जा सकता है, रात्रि 8 बजे के बाद भी जो दुकान बंद करने को लेकर पहले से जो दिशा निर्देश है उस पर उसकी समीक्षा हो सकती है। और साथ ही साथ जो लोक आस्था का महापर्व छठ आने वाला है, छठ को लेकर भी सरकार गाइडलाइन जारी करेगी कि किस तरीके से इस महापर्व में लोग सुरक्षित होकर विभिन्न घाटों में छठ पूजा में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज के इस आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक का होगा, जो 19 तारीख को प्रस्तावित T20 का मैच है JCA के स्टेडियम में, उसमें दर्शकों की क्षमता को लेकर भी आज की इस बैठक में निर्णय होना है कि आज की सरकार कितने दर्शकों को अलाउ करेगी उस बैठक में, क्योंकि वो संडे के दिन वो T20 का मैच चढ़ रहा है, इसलिए उस पर भी सबकी नजरें हैं कि उस T20 मैच को लेकर सरकार क्या कुछ निर्देश जारी करती है। विभिन्न, निश्चित तौर पर प्राधिकार की बैठक में कई पाबंदियों से राहत मिल सकती है, लोगों को छूट मिल सकती है, क्या डूज एंड डोंट्स भी त्योहारों के दौरान में क्या करना क्या ना करना, कुछ ऐसा लेकर गाइडलाइन भी जारी हो सकता है क्या? बिल्कुल, तमाम जो अभी जो क्योंकि अगर छठ की बात करें तो सामूहिक तौर पर विभिन्न छठ घाटों पे लोगों का जुटान होता है, बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए भी सरकार को गाइडलाइन जो है वो तय करना है। पिछली बार सरकार ने छूट दी थी जो जिन मानकों को तय किया था छठ के आयोजन को लेकर, इन तमाम चीजों पर बैठक के बाद आज विस्तृत तौर पर स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है बन्ना गुप्ता, तमाम जो निर्णय आज की इस बैठक में हुए हैं उसे पूरे राज्य को अवगत कराएंगे, तब तमाम चीजें जो है पंकज विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी मिल सकेगी। बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, नजर बनाए रहे और जल्द से जल्द सबसे पहले न्यूजीलैंड भारत झारखंड वासियों को पूरी जानकारी देगा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार के इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हुआ है और क्या आपको राहत मिली है, तमाम चीजें आपको हम जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप। तो एक बहुत बड़ी खबर यहां पर इस वक्त, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।